वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। होप यू आर आर गुड। सो आज मैं रेडी हो गई हूँ सुबह उठ के और अभी तक 10 बज रहे हैं। देखो मैंने हेड वॉश भी कर लिया है, ब्रश व्रश कर लिया, पर बस ब्रेकफास्ट रह गया है और वो भी अभी तक नहीं उठा। मम्मी हरिमंदर साहिब गई हुई हैं तो पापा भी ऑफिस चले गए हैं। सो आज का डे बहुत स्पेशल है बिकॉज मेरा पहली बार कुछ शूट होने जा रहा है। एंड वो ऐसा है कि जैसे इंगेजमेंट लुक, ब्राइडल लुक आप लोगों ने देखे होंगे और भी लोगों की, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम मैं वो शूट करवाने जा रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई डोंट नो कैसा जाएगा। जो आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा होगा, कल या परसों का व्लॉग देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको लहंगा दिखाए थे। तो आज मैं देखती हूँ कि उनमें से कौन सा लहंगा आप लोगों ने जिसको ज़्यादा वोट दिया होगा मैं वही वियर करूँगी। एंड लेट्स गो। बस ब्रेकफास्ट करना रह गया है तो मैंने ब्रेकफास्ट में मैंने सोचा, मैंने कुछ खाने का इतना मन नहीं करा था। आपको पता ही है जब कभी घबराहट सी होती है तो कुछ खाना, मतलब मम्मी बना के चले गई हैं बट मेरे इतना खाने का मन नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा मैं एग्स एंड बस दूध ही पी लूँ तो वो सही रहेगा। सो चलते हैं। और हाँ, मतलब मैंने ना डाली थी पिक्स की फोटो और ये सब है ना डेल्स वेल्स की स्नैपचैट पे, तो सबके मैसेजेस ऐसे आने लग गए कि आपकी शादी हो रही है, आपकी शादी, क्योंकि मैंने मेहंदी एक दिन पहले लगवाई और मैंने ऐसे लगवा ली। नेल्स जो शूट के लिए थे वो तो अगले दिन लगाने थे एंड मैंने साथ साथ ही मेरे लहंगे की भी फोटोज डाल दी, तो सबको ऐसे लगा कि भाई आप लोग आपकी शादी, मतलब मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आए कि आपकी शादी हो रही है, आपकी शादी हो रही है। तो नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। जब भी मेरी शादी होगी तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा। और उसमें तो मैंने ऐसा थोड़ा ना, मैं ऐसे हल्की से बैठी रहूंगी, मैं तो धमाके से करूंगी। सो चलो चलते हैं। सो मैंने मेकअप भी नहीं किया, मैंने कहा चलो वहां पर जाकर हो ही जाएगा। सनस्क्रीन लोशन लगा लिया एंड लिपस्टिक से लगा ली। अच्छे कहाँ से आ गया, लिपस्टिक से लगा ली, न्यूड लिपस्टिक है ये। मेरे को शेड ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मैंने नायका से ऑर्डर किया था। तो पहले चलो मैं दूध रख लेती हूँ अवन में। आजकल ना मैंने एक नई ट्रिक सोच ली है, मैं पतीलियाँ क्यों बर्बाद करनी, तो ना मैं बस ऐसे कप में दूध डाल के, चीनी और बॉर्नविटा डाल के, मुझे वाइट वाइट दूध पीना नहीं पसंद बिल्कुल भी, तो उसे अवन में गर्म कर लेती हूँ। सो मैं पहुंच चुकी हूँ और ये रहे मेकअप के प्रोडक्ट्स। एंड मैं आपको लहंगा दिखाती हूँ अपना, मतलब गाउन दिखाती हूँ। सो ये मैं वियर करूँगी और इतना प्यारा गाउन है ना ये, मतलब मुझे ये पहली नज़र में अच्छा लग गया था। एक दूसरा वाला लहंगा था वो भी मुझे अच्छा लगा, बट हमने फाइनल ये वाला लहंगा निकल रहा है बार बार मुझसे, मतलब ये वाला गाउन सेलेक्ट कर लिया फाइनल। एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बट मुझे ना ये मैंने जब उस टाइम पे वियर किया था बहुत ज़्यादा भारी लगा था और आज फिर से पहनूंगी मैं इसे, तो संभालना थोड़ा औखा लगेगा बट नहीं, बट चलो प्रैक्टिस हो जाती है। बाद में कभी शादी भी होगी तो वहाँ पे भी भारी लहंगे तो पहनने पड़ेंगे। तो चलो मैं ना फिर चेंज कर लेती हूँ और कह रहे हैं कि क्रिम्पिंग स्टार्ट करनी है तो वो स्टार्ट करते हैं। अभी तक नहीं पता लगा कि कौन सा हेयर स्टाइल करेंगे, बस ये है कि सूट कर जाए लास्ट में मेरे ऊपर। होप फॉर द बेस्ट। सो गाइस ये देखो नागिन बन गई मैं। ये मैंने गाउन वियर कर लिया, अब फैशन का प्रोसेस देख लूं क्या होगा। भाई साहब कमेंट करके साथ साथ बताते रहो मैं अच्छी लग रही हूँ, अभी तो मैं आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी, थोड़ा तैयार हो जाओ फिर अच्छी लग रही होंगी। मेरा मेकअप डन हो चुका है और हेयर अभी होना बाकी है। पता है एक इंसिडेंट हो गया, मेरा फोन एकदम ही बंद हो गया, ना चल रहा है, मतलब कॉलिंग जा रही है पर स्क्रीन पे कुछ शो नहीं हो रहा, क्या ही हो गया है। तो ये मैं मैम के फोन में शूट कर रही हूँ क्लिप, अब पता नहीं वो कैसे क्लिप्स मिलेंगी, फोन को क्या हो गया मुझे नहीं पता। तो कोई बात नहीं, अपने मूड को ऑफ नहीं करते वरना अच्छे से लुक नहीं आएगा फोटोशूट में, तो करवा लेते हैं और क्या कर सकते हैं।
सो ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका है और मेरा फोन भी ठीक हो गया। अब तो आ गया मेरा फोन मेरे पास वापस। तो हेयर हो गए हैं, मेकअप हो गया, ज्वेलरी हो गई है, पर तब भी मैं अच्छी नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है यार, अच्छी लग रही हो, लाइक आई डोंट नो कैसा लग रहा है पीछे से मुझे तो पता नहीं। अच्छा एक मुझे ऐसे पीछे से भी फोटो खिंचवानी होगी ऐसे। सो दिस इज माई फाइनल लुक, बट अभी तक थोड़ा सा आईज का थोड़ा सा रह गया मेकअप, बट ओवरऑल ऐसा ही लुक रहेगा। तो कमेंट करके बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। ना ये आई लैशेज छोटी करवा ली हैं और मुझे अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। एंड यहाँ पे कैमरा मैन भी आ गई है, तो सोचे यहाँ पे शूट करवाना है या फिर पता नहीं एक और लोकेशन है वहाँ पे जाके देखते हैं। कितनी करवाना? दिस इज द स्ट्रगल बिहाइंड फोटोशूट। अभी हम लोग दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं और दीदी की रितु महाजन की जो ये लहंगे वाली शॉप है रिचुअल्स, तो वहाँ पे अब जा रहे हैं। पहले हम सैलून में थे और अब हम रिचुअल्स में जा रहे हैं। लोग पहुँच गए यहाँ पे ब्राइडल कलेक्शन। फोटोशूट हो चुका है डन और मेरा ना बिल्कुल नहीं मन कर रहा कि मैं मेकअप रिमूव करूँ या ड्रेस रिमूव करूँ, बट करना तो पड़ेगा ही। पर थोड़ा सा भी चाय पानी खाना वाना खाते हैं और रिलैक्स करते हैं, क्योंकि मतलब बहुत भारी भारी भी लग रहा है। बट दिल में थोड़ा थोड़ा ऐसे भी हो रहा है कि यार अब रिमूव ड्रेस हटानी पड़ेगी, मेकअप रिमूव करना पड़ेगा। तो ये मैम की रिचुअल की शॉप है और यहाँ पे सारे लहंगे अवेलेबल है और ये रही खुद मैम ओनर। आप बता दो कहाँ पे है? मैं मुकेरियाँ तलवाड़ा रोड पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने। मुकेरियाँ की लड़कियाँ, दिसंबर नवंबर दिसंबर जनवरी आने वाला है, शादियों का सीजन आने वाला है, तो यहीं से उठा के जाना लहंगे, ठीक है? और इनके बहुत ही रिजनेबल प्राइजेस हैं। क्या हुआ? हाँ तो अभी और आ जाएगा ना, मतलब अगर आप लोगों ने मई में जून में जुलाई में अगस्त में कभी भी शादी करनी हो तो यहाँ से लेंगे जरूर उठा लेना। किरण ने आज मेरा बहुत साथ दिया भाई। हाँ। भाई सुबह से मेरे साथ बैठ रखी है ना, इसने कोई वो किया कि भाई कितना टाइम लगे, पर तूने पहली बार तू बिल्कुल नहीं काली कितनी सच्ची, तू जितनी काली कर दी ना उन्नी आज नहीं कितनी। थैंक यू सो मच। सो फाइनल टाइम अपने इस आउटफिट को, अपने इस मेकअप को देख रही हूँ, बट पता नहीं अब ये वाला लुक तो फिर दोबारा नहीं कर पाऊंगी, पर चलो फोटोज में वीडियोस में कैप्चर हो गया है। तो मैं अच्छी लग रही हूँ ना? अच्छी लग रही हूँ ना सच में? सो बाय बाय गाइस, बाय बाय। सो गाइज आई एम बैक टू होम एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ लिटरली। आज तो मैं बस सोऊंगी अभी खाना वाना खा के। और हाँ, अब मैं आपको पर्सनल रिव्यू देती हूँ अबाउट मेकअप एंड ड्रेसेस, क्योंकि चलो मैंने वहाँ पे बोला, बट मैं आपको अपना पर्सनल रिव्यू देती हूँ कि मैंने क्या फील किया वहाँ पे। सो मेकअप इज गुड। अब जैसे हमें गर्ल्स को चाहिए कि नेचुरल मेकअप चाहिए, कोई पोचा वोचा लगना मतलब वैसा नहीं चाहिए। सो वैसा ही मेकअप था। इवन मैंने उन्हें पहले ही बताया, कहते नहीं हम लोग बिल्कुल भी ओवर मेकअप नहीं करेंगे, जैसे मतलब ज़्यादा कहते हैं कि बेस ज़्यादा लगा देंगे वो सब चीज़, कहते हैं कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, नेचुरल रखेंगे। एंड लिटरली बहुत नेचुरल मेकअप था और साथ ही साथ स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव था। लाइक लैशेज मेरी लंबी लग गई,
तो किसी ने कहा कि हाँ अच्छी लग रही है, किसी ने कहा कि नहीं नहीं अच्छी नहीं लग रही, और मेरे को पर्सनली अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा कि मैं कहा चेंज कर, तो फिर उन्होंने चेंज भी कर दी। और फिर मुझे अच्छा लगने लगा कि एक था कि एक जब मेरी लैशेस मेरी लंबी लग गई थी ना, तो जब मैं अपने आपको मिरर पे देख रही थी तो मुझे ऐसे बस लैशेस पे ध्यान जा रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा। मतलब एक हो कि बंदा फिर पूरे फेस को देखे, फिर जब मैंने चेंज करवाया और छोटे छोटे लैशेस लगवाई, क्योंकि मेरी अपनी खुद काफ़ी लंबी लैशेस हैं, तो वो अच्छी नहीं लग रही थी, ओवर लग रहा था। तो जब मैंने नॉर्मल लैशेस लगवा ली ना, तो इतना प्यारा लगने लग गया फेस, टच वुड ठीक है। तो सो मतलब स्टाबिक कोऑपरेटिव है, एंड मेकअप भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। एंड रही ड्रेसेस की बात, ड्रेसेस भी उनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन है, उनके पास ड्रेसेस की, मतलब मुझे नहीं पता था कि मुकेरिया में ऐसा कलेक्शन आएगा, क्योंकि पहले मैं वैसे तो मैंने मुकेरिया से कभी शॉपिंग की नहीं अभी तक, पर हाँ यहाँ पे एक और भी शॉप है वहाँ से भी होता है, वैसे मैंने शॉपिंग नहीं की, पर बाहर से जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बट रिचुअल्स में भी बहुत अच्छी कलेक्शन है जहाँ से मैं मतलब जहाँ से मैंने शूट करवाया है। सो जो भी गर्ल्स मुकेरियाँ वाली हैं, तो यहाँ से ज़रूर एक बार शॉपिंग करना, आप सेटिस्फाई रहोगे, खुश रहोगे शॉपिंग करके। कि मैंने भी सोच लिया है कि अभी जैसे शादियों का सीज़न आने वाला है, तो मैं वहीं से ही शॉपिंग करूँगी। तो चलो अब मैं ना सो जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, थक गई, क्योंकि लेंस लगाए थे तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो चलो छोड़ो, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड यस कमेंट करके बताना कि कैसा लगा व्लॉग। ऑफ कोर्स अच्छा कमेंट कर देना, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।